शंखमध्ये शतदलकमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं मोहन रुचिरं संयुतं चाक्रतेन भद्राय वामभागरथशरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवंद्यं वेदानां सारमीशं सजन परिवृतम् ओम जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में किस तरीके से फिफ्थ अटैक हुआ। एक से चार जो अटैक हुआ, मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बताया है। तो 1568 में 1568 इस वक्त एक जो अटैक हुआ, एक भयंकर अटैक हुआ था पुरी में, और ये अटैक क्या था, कला पहाड़, जिसका नाम है कला पहाड़। एंड आज के डेट में भी उड़ीसा में कला पहाड़ को लेके बहुत सारे लोकल गीत हैं, राइट। तो कला पहाड़ के अटैक सबसे भयंकर अटैक था। और ये कैसे अटैक हुआ कि उस वक्त जो किंग थे पुरी में, जो ओडिशा में, जो कलिंग में, उनका नाम था मुकुंद देव। और कला पहाड़ जो है ये एक असिस्टेंट जनरल है जो कि अफगान सुल्तान, ये जो सुल्तान अफगान थे जिनका नाम था सुलेमान करनी, ये उस वक्त वेस्ट बंगाल के सुल्तान थे। और ये जो अटैक हुआ था, इस अटैक पे सुल्तान की बेटा जिसका नाम है बाजिट और सिकंदर उज्बेक, ये दोनों और उनके साथ कला पहाड़, ये तीनों ने मिलकर ये अटैक किया था। और अटैक का दो कारण था। पहला कारण ये था कि मुकुंद देव जो है उन्होंने इब्राहिम सूर, एक पॉलिटिकल जो दुश्मन है अफगान सुल्तान का, उसको उन्होंने शरण दिया था, पॉलिटिकल उनको शरण दिया था। तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि उस वक्त अकबर जो दिल्ली में उस वक्त राज कर रहे थे, आगरा में, तो उन्होंने एक दूत भेजा था मुकुंद देव की राज्यसभा में, और उच्च राज्यसभा में जो भी बातें हुई तो उनके अगेंस्ट में उनके उत्तर रखने के लिए मुकुंद देव ने एक हिंदू जो दूत है उनको भेजा था अकबर के पास। तो अकबर और मुकुंद देव के रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे उस वक्त हो गए थे, जो कि अफगान सुल्तान के लिए एक डेंजर पॉइंट हो गया था। तो इसीलिए ये दोनों कारण से अफगान सुल्तान जो है वो अटैक किया कलिंग पे। जैसे ही उसने अटैक किया, उसको रजिस्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मुकुंद देव ने, उन्होंने एक अपना एक सेनापति जिनका नाम है रघुवंश छोटराय, उनको भेजा। और ये जो रघुवंश छोटराय था, ये एक लालची आदमी था, और ये जाके मिल गया उनके जो अगेंस्ट दुश्मनों के साथ, कला पहाड़ के साथ, और ये आराम से उनको कटक जो है वो जीतने के लिए मदद किया, यानी कि धोखा हुआ मुकुंद देव के साथ। और जब धोखा होता है तो क्या होता है कि अपना सब कुछ मतलब खो जाता है। तो मुकुंद देव वो बैटल पे खुद को सरेंडर कर दिए, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। इसी बीच क्या हुआ कि सारंगढ़, जो आज की बारंग है, वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र भंज, उन्होंने भी रिवेल किया, उन्होंने भी एक मतलब मुकुंद देव के अगेंस्ट में रिबेल किया। तो जब रिबेल किया तो मुकुंद देव ने वो अफगान सुल्तान को रिक्वेस्ट किया कि उसको वो दबाए। और इसी बीच इन तीनों तरफ से घिरने के बाद ये युद्ध में खुद मुकुंद देव मारे गए। और वो जब मारा गए तो उसके अगले दिन जो रामचंद्र भंज है वो भी, उसको भी जो सुल्तान के बेटे थे बाजीत, उसने उनको भी मार दिया। तो इस तरीके से हिंदू राजत्व जो है वो कलिंग में खत्म हो गया। उसके बाद हिंदू राजा कोई बचा नहीं था और ये बोलो के अंदर आ गया। तो जब ये सारे घटना घटने के बाद कला पहाड़ जो है वो कलिंग की हर तरफ धूम मचाया, बहुत लोगों को मारा, लूटा। और मंदिर में जब अटैक किया तो मंदिर के जो पुजारी हैं, जैसे आपने पहले चार बार के अटैक के बारे में आपको जानते हैं, कभी किसी दुश्मन ने भगवान की आइडल को छू नहीं पाया।
तो इसी तरह भी इस तरह भी जो पुजारी थे, जो पंडा लोग थे, उन्होंने भगवान की जो आइडियल है जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और जो सुदर्शन है, इनको लेके छुपा दिया पारिकुद नामक एक जगह पे जो कि चिलिका के अंदर होता है, राइट। और वहां पे एक ऐसा चिन्ह दे दिया जैसा कि वो पहचान पाएंगे। तो कलापहाड़ इसको पकड़ लिया और उसने पहली बार वो भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के आइडल को वो पकड़ लिया और उनको लेके गंगा नदी के किनारे जलाने की कोशिश किया। लेकिन आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जो साक्षात परम ब्रह्म हैं, तो कुछ तो होना था। तो जैसे ही इन्होंने उसको जलाने की कोशिश किया, तो अचानक जो अफगानी सुल्तान भी वहां पे मौजूद था, तो उसका जो शरीर में जोर से पीड़ा उठने लगा और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया उसी जगह पे। और ये देखने के बाद डर गए वो सारे मुगल जो भी वहां पे थे, जो भी उनकी सेनाएं थी, जो भी, तो सब डर गए। और उसके जो बेटे हैं उसने वो जला नहीं पाए थे, जलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने आकर उनको वो जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के जो आइडल थे उनको गंगा नदी में बहा दिया। इस बीच क्या हुआ कि और एक जो वैष्णव थे उस वक्त जिनका नाम है महंती, तो महंती है, तो उन्होंने पीछा कर रहे थे तब कला पहाड़ के, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उन्होंने बहा दिया, तो उन्होंने गंगा नदी में थोड़ा आगे जाके भगवान जगन्नाथ के आइडल, बलभद्र आइडल और सुभद्रा जी के आइडल को उन्होंने रेस्क्यू किया। और भगवान जगन्नाथ के आइडल के अंदर, मूर्ति के अंदर जो ब्रह्म पदार्थ होता है, जिसको आज भी माना जाता है कि वो प्रभु श्री कृष्ण की धड़कती हुई हृदय है, हार्ट है, उसको उन्होंने बाहर निकाला और एक मृदंग के अंदर, ढोल के अंदर उसको रख के उन्होंने ले आए। और वो आज के प्रेजेंट जगत सिंहपुर के नज़दीक गढ़कुंजंग नाम की एक जगह है जगत सिंहपुर पे, वहाँ पे जाके उन्होंने उस एक मंदिर में वहाँ पे उन्होंने उनको रखा। और ये 1568 से 1575 एडी में ये हुआ, उस मंदिर को वहाँ पे कुछ अटैक हुआ पूरी जगन्नाथ मंदिर पे। वो था 1952 1952 साल में छठवा अटैक हुआ पूरी में। जैसे कि आप सबको पता है कि 1568 में जो अफगान सुल्तान ऑफ बंगाल के जो अफगान सुल्तान थे जिनका नाम था सुलेमानी करानी, तो इनका साथ मुकुंदादेव की फाइट हुआ और मुकुंदादेव उस युद्ध में मारे गए। और जैसे ही मुकुंदादेव उस युद्ध में मारे गए, तो उड़ीसा में कलिंग में जो गजपति रूल था वो खत्म हो गया, राइट। और यहाँ पे जो सुलेमानी करानी था, जो अफगान सुल्तान था बंगाल का, उसका एक गवर्नर यहाँ पे जिसका नाम था कुतलू खान लोहानी, ये एज ए गवर्नर ऑफ पुरी उसको अपॉइंटमेंट किया गया। तो 1952 में एक कुतलू खान और एक थे ओसा खान, ये ओसा खान और कुतलू खान, ये ओसा खान जो है ये भी अफगान सुलेमान का एक मेजर हुआ करता था। तो उसका बेटा और कुतलू खान का बेटा दोनों मिलके 1952 में उन्होंने पुरी पे फिर से एक बार अटैक किया मंदिर के ऊपर। लेकिन इस बार भी भगवान जगन्नाथ जो है उनको छू नहीं पाए, और जो पुरी के जो पुजारी हैं मंदिर के, उन्होंने भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के जो आइडियल हैं, जो मूर्ति हैं, उनको लेके छुपा दिया कहीं पे। और ये लोग वहाँ पे अटैक करने के बाद सिर्फ वहाँ की जो धन संपत्ति था वो लेके ये लोग चले आए। तो इस बार भी भगवान जगन्नाथ ने अपने आप को वहाँ से सुरक्षित रूप से हाइड कर लिया। और इस सॉरी ओसा खान और जो मुगल अकबर थे उस वक्त, जो सम्राट थे पूरी भारत का, उनका जो एक मंत्री थे सिंह, तो राजा मानसिंह और ओसा खान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट को वायलेट किया गया, क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था शायद कि पूरी पे वो लोग अटैक नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने अटैक किया, तो जो मुगल एम्पायर था दिल्ली का, उसने पूरी से इनको खदेड़ दिया और उड़ीसा फिर डायरेक्टली मुगल एम्पायर के अंदर आ गया। तो ये स्टोरी था उस वक्त। तो ये था सिक्स्थ अटैक। फिर चलते हैं, बात करते हैं
सेवेंथ अटैक कैसे हुआ, सातवीं अटैक। तो सातवीं अटैक जो हुआ वो मिर्जा खुराम ने अटैक किया था, जो कि नवाब ऑफ बंगाल के कमांडर हुआ करता था। और ये जो बात है ये है 1601 का, 1601 में उन्होंने अटैक किया। और उस वक्त पूरी में जो है दोला फेस्टिवल, जो होली के एक दिन पहले जो फेस्टिवल मनाया जाता है, वो दोला फेस्टिवल चल रहा था, तभी उन्होंने अटैक किया। और अटैक में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे भक्तों को मार दिया गया। और लेकिन जो पुजारी हैं वो चुपचाप भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को आइडियल को वो छुपते छुपाते बोट के थ्रू, एक भार्गवी नदी है, उस भार्गवी नदी के में लेके इन लोगों ने उसको लेके पहुंच गए कहाँ पे, कपिलेश्वर विलेज पे, कपिलेश्वरपुर विलेज। ये लोग पहुंच गए कपिलेश्वरपुर विलेज, वहाँ पे पहुंच गए। और वहाँ पे भगवान जगन्नाथ की जो दोला फेस्टिवल है, जो होली का एक दिन पहले, वो फेस्टिवल फिर से मनाया गया। तो आप लोग सोच सकते हैं अटैक हो रहा है, दुश्मन आ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ चुपचाप वहां से निकला जा, भगवान जगन्नाथ को बलभद्र सुभद्रा की जी के आइडियल वहां से चुपचाप निकल जाते हैं और एक दूसरे जगह पे कपिलेश्वरपुर जो एक जगह है वहां पे जाके उनका दोला फेस्टिवल फिर से मनाया जाता है। तो आप लोग सोचिए ये भगवान जगन्नाथ के बिना आशीर्वाद का, भगवान जगन्नाथ की प्रत्यक्ष अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं होते तो शायद ये कभी संभव नहीं होता, सही है। अब आप मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर भगवान जगन्नाथ स्वयं भगवान है तो ये छुपते क्यों है यार, ये भागते क्यों है, ये उन दुश्मनों को अटैक, इन दुश्मनों को निपात क्यों नहीं कर लेते। तो इस बात में मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि याद करिए वो द्वारिका जरिए द्वापर युग, जब भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं, तो भगवान जब जरासंध ने भी भगवान कृष्ण के ऊपर अटैक किया तो भगवान ने उसको नहीं मारा, भगवान ने क्या किया, अपने जो कैपिटल है उसको मथुरा से लेके कहाँ पे, द्वारिका पे शिफ्ट कर दी। तो भगवान का यही गुण है कि जहां पे खतरा है, जहां पे दुश्मन है, वहां पे लेके फायदा नहीं, अपने आप को छुपा लो, अपने आप को और ले जाओ। ये भगवान की जो प्रिंसिपल है वो शुरू से है, और हमें भी ये मानना चाहिए कि दुश्मन के साथ दुश्मन करके उसके साथ फाइट करके फायदा क्या है भाई, क्योंकि कौन किसके हाथों मरेगा, कौन किसके हाथ में पराजय होगा, ये तो ऑलरेडी डिसाइड है। भगवान जगन्नाथ ने वहीं पे अपना, क्योंकि ये कलयुग है और भगवान जगन्नाथ डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, कलयुग में भगवान जगन्नाथ भगवान वो डायरेक्टली कुछ नहीं करते, वो सब कुछ जो करते हैं इनडायरेक्टली करते हैं। और द्वापर में तो वही हुआ, तो महाभारत में अगर कृष्ण चाहते तो एक दिन में युद्ध खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने करवाया लेकिन खुद नहीं लड़े। तो इसी तरीके से कलयुग में भी वही चल रहा है, अभी भगवान जगन्नाथ के ऊपर अटैक हो रहा है लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने आप को एस्केप कर रहे हैं, दुश्मन आ रहा है कुछ नहीं मिला, उसके हाथ खाली खाली रह रहा है। लेकिन आप सोचिए तो ये सिर्फ पुरी में हो रहा है, बाकी जगह पे देखिए, बाकी जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, लेकिन पुरी जगन्नाथ में ये नहीं हो पाया। पुरी जगन्नाथ में उनके मंदिर को कोई नहीं तोड़ पाया, पुरी जगन्नाथ मंदिर में कोई मस्जिद नहीं हो पाया, उस मंदिर की जगह पे कोई मस्जिद नहीं बन पाया। तब के मुगल सम्राट थे अकबर, भारत के मुगल सम्राट थे उस वक्त, बाकी ये जो बंगाल है, बिहार है, ये तो अलग अलग था सब कुछ। तो अब लोग सोच सकते हैं भगवान की महिमा कितना है यहाँ पे, सही है। पंचमुखी गोस्वामी टेम्पल है कपिलेश्वरपुर में, आज भी है, वहां पे जाके भगवान को कम से कम वहां पे भगवान रहे, और 8 महीने तक वहां पे भगवान को रखा गया, कहाँ पे, जहाँ पे कपिलेश्वर गोस्वामी टेम्पल पे, कपिलेश्वर गोस्वामी टेम्पल जो कि पड़ता है दोबंध पेंठा जगह है, वहां पे ये मंदिर है। तो वहां पे 8 महीने तक भगवान जगन्नाथ वहां पे रहे, और उसके बाद फिर उनको शिफ्ट किया गया पूरी मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठा किए गए और फिर से पूजा अर्चना शुरू की गई। तो इस तरीके से आप भगवान जगन्नाथ जो है वो मतलब अपनी अटैक से खुद को बचाते रहते हैं, राइट। तो ये फिर एक बार जो 8 अटैक हुआ वो हो गया 1608 पे, 1608 पे हसीम खान नामक एक सूबेदार उड़ीसा में था मुगल एम्परर के, तो उसने 1608 में फिर से पुरी पे अटैक किया जगन्नाथ मंदिर पे। तब खुर्दा जो पुरी से करीब 100 किलोमीटर होगा, एक खुर्दा एक जगह है, वहां पे एक गढ़ है, वहां पे एक राजा थे हिंदू राजा जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव। तो इन्होंने क्या किया उस अटैक के ड्यूरेशन पे,
भगवान जगन्नाथ को वहां से ले गए और अपने कैपिटल पे, अपनी राजधानी पे एक गोपाल टेम्पल है, गोपाल टेम्पल, गोपाल मंदिर, वहां पे भगवान को रखे और वहां पे फिर उनका पूजा अर्चना कर किया उन्होंने। और फिर जब हाशिम खान, उसको कुछ नहीं मिला मंदिर में, तो जो भी धन संपत्ति वहां पे था उसको लेकर फरार हो गया, उसको निकल गया, भाग गया। तो फिर से एक बार जो जगन्नाथ मंदिर है, जो जगन्नाथ जी की आइडियल है, आइडल है, उसको लेकर फिर प्रतिष्ठा की गई और फिर उनकी पूजा अर्चना की गई। यह था 8th अटैक जो कि 1608 में हुआ। तो फिर देखते हैं उनके 9th अटैक, 10th अटैक कैसे हुआ, कब हुआ। अटैक हुआ, वो अटैक हुआ केशो दमारू, केशो दमारू जो कि जो मुस्लिम जो ये थे, मुस्लिम जो कमांडर था जिनका नाम था हसीम खान, जिसका हमने 8 जो अटैक किया था, उस हसीम खान का अंडर में ये जॉब करता था, वो नौकरी करता था, वह उसका एक सेनापति था। तो इसने केशव दमारू एक हिंदू था ये, और ये क्या किया, ये भी पूरी में अटैक किया। 9th अटैक था इसका, जो कि 1610 में इसने अटैक किया। और ये कब अटैक किया, रथयात्रा के टाइम पे अटैक किया, जब रथयात्रा चल रहा था तभी इसने अटैक किया। और तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा वो पूरी मंदिर में नहीं थे, वो जाके गुंडीचा मंदिर जो है जहाँ पे रथयात्रा के वक्त हो जाते हैं और जहाँ 10 दिन तक वो रहते हैं, तो वहां पे जाके ये लोग, ये जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी वहां पे उपस्थित थे, तभी अटैक हुआ और बहुत से लोगों को मारा गया, बहुत से धन दौलत लूटा गया, लूट के वो लोग चले गए। और जब उस वक्त के जो राजा थे पुरुषोत्तम देव, जब उनको ये पता चला, वो पूरी में उस वक्त नहीं थे, तो जब उनको पता चला तो वो अपने सोल्जर के साथ उन्होंने अटैक किया फिर उस गुंडीचा मंदिर के नजदीक जाके। और ये जो चैरियट था वहाँ पे, जो रथ था, उस रथ के ऊपर इनके सैनिक चढ़ के मंदिर के ऊपर, मंदिर के अंदर जाने लगे ताकि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी के आइडल को बचाया जा सके। एंड तभी उन्होंने वो सारे जो केशव दमारू था उसने सारे रथों को जला दिया, और इसमें बहुत सारे जो पाइक थे जिनका मतलब पुरुषोत्तम देव के जो सोल्जर थे, वो जो कलिंग के सोल्जर थे, उनको पाइको बोलते थे, तो उनको बहुत सारे पाइक को मार दिया गया। और आखिरकार पुरुषोत्तम देव जी को पराजय जो है स्वीकार करना पड़ा। और कुछ देर के बाद, कुछ लूटने के बाद, ये जो केशव दमारू है ये मंदिर छोड़ के चला गया। और 8 महीने तक उस वक्त जो प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में ही रहे, और 8 महीने के बाद फिर उनको पूरी श्री मंदिर में शिफ्ट किया गया और उनकी पूजा अर्चना शुरू की गई। तो यहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि दुश्मन के कब्जा में भगवान जगन्नाथ थे उस वक्त, लेकिन फिर भी दुश्मन उनका कुछ नहीं कर पाया। जो धन रत्न था वो लूट के तो चला गया, लेकिन इस वक्त राजा भी हार गए, लेकिन फिर भी तो दुश्मन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को कुछ नहीं कर पाया। वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ अलौकिक चीजें घटी, कुछ ना कुछ ऐसा चीजें घटी जो इतिहास में लिखा नहीं है, क्योंकि ये जो घटना घटी ये केशव दमारू के साथ, केशव दमारू के साथ घटा, क्योंकि वो हिंदू था। और उस वक्त वो लोग कहते हैं कि उसको सपना आया जब रात को सो रहा था, और उसके बाद वो सब कुछ छोड़ के चला गया, उसने कुछ हार्म नहीं पहुंचा भगवान के आइडल को। तो इस तरीके से अलौकिक घटनाएं वहां पे पूरी में घटती रहती है। तो ये उनका तो था ये।